गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजीता मैम क्लास 4 में आपका स्वागत करती हूँ। आज पाठ्यक्रम का प्रश्न उत्तर जो बचा हुआ है उसको लिखाऊंगी। आप लोग अपना कॉपी निकालिए और लिखिए। हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर क्या करेंगे? क्वेश्चन है, हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर क्या करेंगे? आंसर होगा, हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर डाल 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 पर चहकेंगे, क्या करेंगे? चहकेंगे। घ है, प्रश्न लिखिए। देखिए हम लिख रहे हैं, उसको लिखिए। अमृत विष से कवि का क्या तात्पर है? उत्तर, अमृत विष से कवि का तात्पर्य हमारे जीवन के सुख दुख से है। ठीक है, अमृत विष से कवि का तात्पर्य है, तात्पर्य हमारे जीवन के सुख दुख से है। अमृत विष से कवि का तात्पर्य हमारे जीवन के सुख दुख से है। अगला देखिए, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए।
क्या करना है हमें, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। धरती पर हम तारे बनकर चमकेंगे, क्या धरती पर हम तारे बनकर चमकेंगे गलत हो जाएगा, क्या बनकर चमकेंगे, सूरज। एक धरती और एक आकाश होने के बावजूद मन बटा 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 सा है। एक धरती और एक आकाश होने के बावजूद मन बटा बटा सा है, सही है, सही का निशान लगाइए। अपनापन अपनापन कहीं खो गया है और सबके होठ पर सूनापन है। अपनापन कहीं खो गया है और सबके होठों पर सूनापन है, क्या है, सही है, सही का निशान लगाइए। हर घर आंगन में खुशियाँ छाई हुई है, हर घर आंगन में खुशियाँ छाई हुई है, क्या होगा, सही है, हर घर आंगन में क्या है, खुशियाँ छाई हुई है। कवि जीवन को हंसते हंसते जीने तथा विष अमृत मिलकर पीने की बात कह रहा है। कवि जीवन को हंसते हंसते जीने तथा विष अमृत मिलकर पीने की बात कह रहा है, क्या होगा, सही होगा, सही का निशान लगाइए। जो बच गया उसको कल के क्लास में हम बताएंगे, इसको नोट कीजिए, याद कीजिए।